हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेल्थ क्रिएटर 7 चैनल। आज हम डिस्कशन करेंगे एक फार्मा स्टॉक्स के बारे में, जो एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। स्टॉक्स का नाम है सिप्ला लिमिटेड। थोड़ा डिटेल में समझेंगे, ये एक ही स्टॉक्स के बारे में समझेंगे एंड किस तरह से आप इसमें ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, तो उसका थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। अभी आप यहाँ पे सिप्ला में देखेंगे तो ये लास्ट ऑलमोस्ट 1 ईयर से यहाँ पे एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। मैं अभी यहाँ पे मार्क करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, इस रेंज से यहाँ पे अप गया, यहाँ से रिजेक्शन हुआ, अगेन यहाँ पे देखेंगे तो वापिस अप गया। सो इस तरह से यहाँ पे काफी टाइम से एक रेंज में ही चल रहा था। आप ध्यान से देखेंगे तो एक रेंज में ही यहाँ पे ट्रेड हो रहा था। तो हर बार ये अपर साइड यहाँ पे क्रॉस क्यों नहीं हो रहा था एंड इस बार यहाँ पे क्रॉस क्यों हुआ है, तो उसका मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। आप वॉल्यूम की साइड आप देखेंगे, इस जगह से लेके यहां तक, तो आपको एक बाइंग यहाँ पे इतनी स्ट्रोंग यहाँ पे दिखाई नहीं देगी, जो इस लेवल को क्रॉस कर पाए, जो यहाँ पे एक रेंज बनी थी इसको वो क्रॉस कर पाए। अब आप ध्यान से इस जगह पे देखेंगे, यहां से आप देखेंगे एंड यहां तक आप देखेंगे, सेम आप वॉल्यूम साइड आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक ओनली बाइंग ही दिखेगा आपको। यहां से आप देखेंगे तो यहां पे भी बाइंग हुई है, इस जगह पे वॉल्यूम भी बना है, यहां पे गिरावट हुई है, बट वॉल्यूम आप देखेंगे तो यहां पे पॉजिटिव वॉल्यूम ही रहा है, मींस वॉल्यूम के साथ सेलिंग नहीं हुई है। एंड जैसे ही नीचे आता है स्टॉक तो यहां पे एकदम से बाइंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे आप देखोगे यहां पे तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग स्टार्ट हो गई एंड आप यहां पे देखेंगे तो आज का जो मूव था वो बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट था यहां पे। एंड अभी आगे जाके और भी थोड़ा सा यहाँ पे 50-100 रुपीस अपसाइड और भी आपको देखने को मिल सकता है। बट आप किस तरह से इसको पता कर सकते हैं, तो आपको ये छोटी छोटी चीजें आपको देखनी होगी। जैसे आप इस तरह से रेंज में देख रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है, वो चीज देखें आप। एंड दूसरा आप ये चीज करें कि कोई भी स्टॉक्स यहाँ पे रेंज में चल रहा है तो सपोज इस जगह से लेके यहाँ पे पहुंचा है तो क्या हो रहा है इस जगह पे, तो वो चीज भी आप थोड़ा सा आप डिटेल में देखने की कोशिश करें, तभी आप एक मूव कैप्चर कर पाएंगे एंड तभी आप वहां पे एक रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे आवरली चार्ट्स में, आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी एक अच्छा बाइंग आपको देखने को मिलेगा इस जगह पे। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस जगह से आप देखेंगे तो यहाँ पे एक रेंज में चल रहा था, यहाँ पे भी एक रेंज में था, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेकआउट हुआ है एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीमेंटली यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। जैसे यहाँ पे छोटा सा था, यहाँ पे आप देखेंगे तो और बढ़ गया है, यहाँ पे और बढ़ गया है एंड आप यहाँ पे देखेंगे तो दैट इज वेरी वेरी मैसिव वॉल्यूम। तो ये आप देखेंगे तो यहाँ से कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे बाइंग हो रही थी। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी चार्ट में, कहीं बार क्लियरली आपको मिलेगा, कहीं बार आपको क्या है पता लगाना पड़ेगा डिफरेंट वे से। मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया है एक वे से कि किस तरह से आप कर सकते हो। तो जैसे आप, मैंने आज चार्ट शेयर करा था, फिर भी यहाँ पे लेट शेयर करा था, यहाँ पे 1005-1006 था उस टाइम में टाइप कर रहा था एंड 1010 के आसपास शेयर करा था। उसके बाद काफी अच्छा एक मूवमेंट देखने को मिला था, तो उस तरह से आप ब्रेकआउट क्या पहले आप यहाँ पे एक्टिविटी आप नोट करेंगे तो आप अच्छा सा एक रेंज कैप्चर कर पाएंगे। सपोज आप इस जगह पे कहीं पे भी एंटर हुए हो इस जगह, तो आपको एक अच्छा रिटर्न यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो एंड स्विंग ट्रेड में भी आप यहां से इतना प्रॉफिट लेके आप निकल भी सकते हो।
एंड अच्छा आपको गेन भी मिल सकता है। एंड पोजिशनली भी आप देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छी पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक राइज हुआ है, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है एंड अगेन यहाँ पे ब्रेक हुआ है, तो माइट भी यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट होके वापिस एक अपसाइड की ओर यहाँ पे बढ़ सकता है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो एक प्लेग जैसा एक स्ट्रक्चर बना है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है यहाँ पे, थोड़ा सा और अपसाइड यहाँ पे जा सकता है। इस लेवल के आसपास 1000 के आसपास अगर मिलता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। एंड यहाँ पे 960-950 के आसपास एक अच्छा सा यहाँ पे सपोर्ट है, उसके नीचे यहाँ पे वीक हो जाएगा। तो आप ये चीज हर एक चार्ट में आप ऑब्जर्व करें, यहाँ पे सीखे यहाँ पे, ताकि आपको भी पता लगे कि कहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, वहां पे आप प्रॉफिट ले सकते हैं। होप आपको ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला होगा।